पोषी स्तर क्या होता है? आहार श्रृंखला का जो हर एक स्तर होता है या कड़ी होती है, वो एक पोषी स्तर को बनाते हैं। जैसे पहला पोषी स्तर जो है वो स्वपोषी का होता है, अर्थात उत्पादक का होता है। तो उत्पादक जो है वो हमारे पहले पोषी स्तर पर होते हैं, जिनको हम स्वपोषी कहते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो हमने कहा कि जो हरे पौधे हैं वे उत्पादक हैं और वे पहला पोषी स्तर बनाते हैं। अब हरे पौधों को जो खाने वाले हैं वो कौन हुए? तो उनका जो उपभोग करने वाले हैं वो हैं हमारे शाकाहारी। और ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी दूसरे पोषी स्तर पर आएंगे और ये शाकाहारी जो है ये कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्यों है? क्योंकि ये उत्पादक अर्थात हरे पौधे से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए। फिर शाकाहारियों का सेवन जो है वो कौन करते हैं? छोटे मांसाहारी करते हैं, जैसे मेंढक हुए, टिड्डे का सेवन मेंढक करता है। तो ये तीसरा पोषी स्तर हुआ छोटे मांसाहारी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। तो ये अब और आगे बढ़ जाते हैं, चलिए चौथे पोषी स्तर तक चले जाते हैं। ये बड़े मांसाहारी हुए, जैसे सांप मेंढक का उपभोग सांप करता है, मेंढक को सांप खा जाता है, तो ये हमारा हुआ तृतीय उपभोक्ता। अगर हम घास के मैदान की कोई खाद्य श्रृंखला लें या आहार श्रृंखला लें तो वहाँ आपको चील का भी उल्लेख मिलता है। तो हमने यहाँ पांचवा पोषी स्तर लिखा है सर्वोच्च मांसाहारी चील, और ये हमारा हुआ चतुर्थ उपभोक्ता। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरा पोषी स्तर है वो शाकाहारी है, बना रहा है, और उसके बाद के जो अगले तीसरा चौथा पांचवा जो पोषी स्तर है वो मांसाहारी उपभोक्ता बनाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थलीय पारितंत्र होता है उसमें जो हरे पौधे होते हैं, जिनको हम उत्पादक कह रहे हैं, जो कि पहले पोषी स्तर पर है ना, ये हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। और उसके बाद ये जितने भी स्तर हैं, है ना, दूसरा तीसरा चौथा, ये जितने भी स्तर हैं, इन स्तरों पर खाए हुए भोजन की मात्रा का 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्तर से, मतलब प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर जा पाता है। तो सूर्य के प्रकाश का 1% उत्पादक के पास जा रहा है, लेकिन इसके बाद हर एक स्तर पर कितना जा रहा है? 10% जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, वैसे तो क्या है कि आप एक बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि प्रत्येक चरण में जाकर, जैसे यहाँ से इसका 1% आया, फिर 10% जा रहा है, तो प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो चौथा पोषी स्तर है इसके बाद तो उपयोगी ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। इसलिए कई बार आप देखते हैं, देखिए पोषी स्तर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ आपने पहले पोषी स्तर में जैसे स्वपोषी हुआ हरे पौधे, जैसे मान लीजिए गेहूं है, अब गेहूं को क्या किया? मनुष्य नहीं खा लिया, तो दूसरे पोषी स्तर पर हमारा यहाँ आके ये समाप्त हो गया। तो आहार, ये पोषी स्तर का या आहार श्रृंखला में जितने भी स्तर हैं, प्रत्येक स्तर या कड़ी एक पोषी स्तर को बनाती है, लेकिन एक चौथे पोषी स्तर के बाद में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। और दूसरा ये कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशिक ही होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होगा। चलिए अब इसका एक हम उदाहरण लेना चाहें तो घास के मैदान की एक आहार श्रृंखला का उदाहरण ले लीजिए, ताकि ये यहाँ से आपको ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि घास के मैदान में हरे पौधे हैं, उनका उपभोग टिड्डे करते हैं, टिड्डे का, मेंढक, मेंढक का, सांप और सांप का चील। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि ये आपको पोषी स्तर के बारे में पता चल जाएगा कि जो हरे पौधे हैं वो पहला पोषी स्तर है, वो उत्पादक है, टिड्डे जो है दूसरे पोषी स्तर पर हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, और उसके बाद में ये तीसरे पोषी स्तर पर मेंढक, चौथे पोषी स्तर पर सांप, और पांचवें पोषी स्तर पर हमने चील को रखा है, और ये आपके क्रमशः जो है हो गए टिड्डा, मेंढक, सांप, ये आपके
द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता इस तरीके से होते चले जाएंगे। तो आप इसको कहीं भी रोक सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ तक बनाया, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, सांप पर ले जाकर रोक दिया, तो ये आपके चौथे पोषी स्तर तक आप पहुँच गए। तो ये मतलब प्रत्येक स्तर या एक कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, ये हमें समझना होगा।